हेलो प्यारे बच्चों बच्चों, इस वीडियो में आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर वन द सॉलिड स्टेट। देखिए, चैप्टर वन सॉलिड स्टेट को टोटल 10 टॉपिक्स में डिवाइड किया गया है। इस वीडियो में आज हम स्टार्टिंग के 3 टॉपिक्स कंप्लीट करेंगे। देखिए, ये चैप्टर बहुत आसान है और बहुत मज़ेदार भी है। बस क्या करना होगा हमको, इसके साथ साथ हमको नोट्स बनाने होंगे और नोट्स में हम जो भी लिखेंगे उसका हर एक वर्ड का मतलब समझना है हमको, ठीक है। तो बिना टाइम वेस्ट किया फटाफट से मेरे साथ स्टार्ट कीजिए इस चैप्टर को और बहुत मज़ा आने वाला है। अगर आपने कभी 9th का, 10th का या 11th का केमिस्ट्री में कुछ भी नहीं पढ़ा है ना, तो टेंशन तो ज़रा भी नहीं लेनी है, बिल्कुल मस्त वीडियो पे आए हो आप। बस साथ में क्या करना है, जो भी मैं लिखता जाऊँगा उसको साथ साथ लिखते जाना है और समझते जाना है। परफेक्ट इस वीडियो में आपको कम्प्लीटली समझ में आ जाएगा कि ये चैप्टर कितना आसान है और कितना मज़ेदार है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं बच्चे चैप्टर वन सॉलिड स्टेट। चलिए तो यहाँ पर लिखना स्टार्ट कीजिए, चैप्टर वन द सॉलिड स्टेट। देखिए, सॉलिड स्टेट में सबसे पहले हमको फर्स्ट डेफिनेशन पढ़नी है, वो है अपनी सॉलिड्स। तो पहली डेफिनेशन हम लिखते हैं सॉलिड्स। देखो यार, बचपन से ही हमको समझाते आ रहे हैं कि अपने जो सब्सटेंस होते हैं, आसपास जितने भी सराउंडिंग में चीज़ें हैं, वो 3 प्रकार की होती हैं, सॉलिड होती है, लिक्विड होती है, गैस होती है, ठीक है। अपना जो चैप्टर है वो है सॉलिड के बारे में, तो हमें लिक्विड और गैस के बारे में बिल्कुल नहीं पढ़ना, सिर्फ सॉलिड्स के बारे में समझनी है हर चीज़। तो सबसे पहले सॉलिड की डेफिनेशन लिखते हैं बच्चे। अ सॉलिड इज़ अ कलेक्शन ऑफ, और बहुत मज़ा आएगा, अ सॉलिड इज़ अ कलेक्शन ऑफ, लिखना स्टार्ट करिए। और आपके पास एनसीईआरटी नहीं है तो बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी है, एनसीईआरटी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको, क्योंकि एनसीईआरटी का हर वो इम्पोर्टेंट टर्म, हर वो इम्पोर्टेंट पॉइंट हम इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो आपको बस साथ साथ लिखना है और समझना है। तो हमने पहला क्या लिखा है, अ सॉलिड इज़ अ कलेक्शन ऑफ एटम्स। एटम्स आप जानते हैं ना, सबसे छोटे छोटे पार्टिकल्स क्या बोले जाते हैं, एटम्स। तो सॉलिड इज़ अ कलेक्शन ऑफ एटम्स, कलेक्शन मतलब सबको इकट्ठा करना, एक साथ रखना। अ सॉलिड इज़ अ कलेक्शन ऑफ एटम्स और मॉलिक्यूल्स, और मॉलिक्यूल्स दैट आर हेल्ड टुगेदर, दैट आर हेल्ड टुगेदर। और नोट्स हम खुद से बनाएंगे तो यार बहुत मज़ा आएगा नोट्स बनाने में भी और समझने भी, है ना। तो क्या लिखा है, और सॉलिड इज अ कलेक्शन ऑफ एटम्स और मॉलिक्यूल्स दैट आर हेल्ड टुगेदर सो दैट दे मेंटेन अ so that they maintain a definite shape का मतलब होता है जो चेंज नहीं हो सकती है, मतलब एक संपूर्ण वही रहेगा, ठीक है। that maintain a definite shape and size, और साइज भी सॉलिड्स का चेंज नहीं होता है, ओके। under constant conditions तो समझते हैं, अ सॉलिड क्या होता है, कलेक्शन ऑफ एटम्स, छोटे छोटे एटम्स होते हैं, और मॉलिक्यूल दैट आर हेल्ड टुगेदर। देखिए, एटम्स बहुत छोटे छोटे होते हैं, इनको अगर हम साथ में ऐसे हेल्ड टुगेदर मतलब एक साथ रखेंगे, ठीक है, बहुत धीरे धीरे पढ़ाने वाले हैं ताकि आपको कॉन्सेप्ट ना बहुत अच्छे समझ में आए। सो दैट दे मेंटेन अ डेफिनेट शेप, ये देखिए, ये सब एक साथ इतनी पास पास रखे होते हैं कि ये जो शेप होता है इनका, शेप वो चेंज नहीं हो सकता है, क्लियर हुई बात। और साइज भी जो होगा वो चेंज नहीं होगा, अंडर कांस्टेंट कंडीशन, कंडीशन कांस्टेंट होंगी। सर, कंडीशंस क्या होती हैं, कंडीशन माना जैसे प्रेशर हुआ, टेम्परेचर हुआ, ये चेंज नहीं होगा। अगर आप टेम्परेचर या प्रेशर चेंज करेंगे तो ये सॉलिड का शेप और साइज भी बदल सकता है, लेकिन अंडर कांस्टेंट कंडीशन इनका ना शेप बदला है ना साइज बदलता है। तो सॉलिड होता क्या है, छोटे छोटे एटम और मॉलिक्यूल को जो साथ में रख देते हैं, इसी को हम क्या बोलते हैं, अ सॉलिड। जैसे ये देखो यार, एक पेन है या ये ढक्कन है, ये सब सॉलिड्स हैं। अब इन सॉलिड्स, इनका शेप या साइज थोड़ी बदल सकता है, क्यों नहीं बदल सकता है, क्यों, क्योंकि ये कैसे होते हैं, ये हेल्ड, इनके जो एटम होते हैं वो बहुत स्ट्रांगली एक दूसरे से कैसे होते हैं, जुड़े हुए होते हैं, हेल्ड टुगेदर, क्लियर हुई बात, आसान है ना। चलिए लिखते हैं, अब अपना जो पहला टॉपिक है वो डालते हैं, एनसीईआरटी का जो फर्स्ट टॉपिक है वो क्या है बच्चे, कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स। कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड क्या होती है, जैसे कोई सब्सटेंस सॉलिड है
तो उसकी प्रॉपर्टी क्या क्या होंगी, कौन कौन सी विशेषताएं हैं कि ये सॉलिड है, समझ पा रहे हो बात? ठीक है, तो लिखना स्टार्ट कीजिए। सबसे पहला क्या होता है, पहला होता है बच्चे सॉलिड्स है, ये तो हमने 9th-10th में बिल्कुल मतलब कहीं ना कहीं तो सुना ही होता है कि सॉलिड्स है डेफिनेट मास। वॉल्यूम एंड शेप, सॉलिड का मास वॉल्यूम और शेप बिल्कुल डेफिनेट होता है, बिल्कुल भी चेंज नहीं हो सकता। क्लियर हुई बात? सेकंड पॉइंट लिखते हैं बच्चे, दे आर नॉट कंप्रेसिबल, दे आर नॉट कंप्रेसिबल एंड दे आर वेरी रिजिड। देखिए नॉट कंप्रेसिबल का मतलब क्या है कि सॉलिड को आप दबा नहीं सकते हो, और रिजिड का मतलब क्या होता है, वो बहुत कठोर होते हैं। ठीक है, थर्ड पॉइंट लिखते हैं, इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस। मॉलिक्यूलर क्यों? क्योंकि जो मॉलिक्यूल होते हैं ना, वो आपस में जब साथ में रहते हैं तो इनको इंटर मॉलिक्यूलर कहते हैं। एक दूसरे के साथ अगर ये मॉलिक्यूल्स रहेंगे तो इनको क्या कहेंगे, इंटर मॉलिक्यूलर। तो इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस, फोर्स का मतलब क्या हो गया, एक दूसरे को पकड़ के रखना है ना। इन सॉलिड्स आर वेरी स्ट्रॉन्ग, तो एक दूसरे को जो पकड़ के रखने वाली बच्चे जो बल होता है, फोर्स होता है, वो क्या होता है, बहुत स्ट्रांग होता है इन केस ऑफ सॉलिड। ठीक है, इसलिए ये बहुत मजबूत होते हैं। फोर्थ पॉइंट लिखेंगे, इंटर मॉलिक्यूलर डिस्टेंस इन सॉलिड्स आर वेरी लेस। जो डिस्टेंस होती है दो मॉलिक्यूल के बीच में, वो बहुत ही क्या होती है, बहुत ही कम होती है। क्यों बहुत कम होती है? क्योंकि इनके बीच में जो फोर्स होता है वो क्या होता है, बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए ये एक दूसरे से बहुत ही ज़्यादा फोर्स से चिपके हुए होते हैं। क्लियर हुई बात? इसलिए डिस्टेंस जो होगी दो मॉलिक्यूल के बीच में बहुत कम होगी, ये जो डिस्टेंस होती है बहुत कम होती है। ये डिस्टेंस बच्चे पिकोमीटर में होती है, 10^-12 मीटर में। आगे हम पढ़ते जाएंगे समझ में आएगा। ठीक है, चलिए फिफ्थ पॉइंट लिखते हैं। फिफ्थ पॉइंट इसका इंपॉर्टेंट है बच्चे, ध्यान से समझिएगा। They are constituent particles. Constituent का मतलब क्या होता है, जैसे अगर ये एक सॉलिड है तो इस सॉलिड के अंदर के जो पार्टिकल्स हैं इनको हम बोलते हैं कंस्टिट्यूएंट, जिससे बना हुआ होता है। कंस्टिट्यूएंट का मतलब ये सॉलिड इन पार्टिकल्स से बना है, तो ये इसके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हो गए। ठीक है, तो दे आर कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। अब कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स क्या क्या हो सकते हैं, एटम्स हो सकते हैं, ठीक है, या फिर मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं, और आयंस हो सकते हैं। सॉलिड किससे बनता है, एटम से बन सकता है, मॉलिक्यूल से बन सकता है, या फिर आयन से बन सकता है। हैव डेफिनेट पोजीशंस, या फिर आप ऐसा लिख सकते हो हैव फिक्स्ड पोजीशन। ये समझ में आया, देयर कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैव फिक्स्ड पोजीशन, कि इनके जो पार्टिकल्स होते हैं उनकी पोजीशन क्या होती है, फिक्स्ड होते हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि ये पार्टिकल यहाँ पर है तो आपको यहाँ भी मिल सकता है, नहीं, यो पार्ट जो पार्टिकल जहाँ है वो वहीं रहेगा। ठीक है, लेकिन इंटरेस्टिंग चीज़ क्या है बच्चे इसमें, कि देयर कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स एटम मॉलिक्यूल्स हैव फिक्स्ड पोजीशन बट दे कैन ऑसिलेट They can oscillate about their mean position. देखिए ये सॉलिड का पार्टिकल तो यहीं रहेगा, लेकिन क्या हो सकता है, ये पार्टिकल इस पॉइंट पर, इस फिक्स्ड पॉइंट पर ऑसिलेट हो सकता है, मतलब ये थोड़ा इधर उधर हो सकता है, समझ रहे हो ना, ये अपनी मीन पोजिशन पर ऑसिलेट करते हैं, लेफ्ट राइट ऐसे करके, वो बहुत कम होता है। ऑसिलेशन का मतलब समझते हो, कोई चीज़ जैसे ये ढक्कन बहुत बड़ा हो गया ढक्कन, लेकिन इस ढक्कन को अगर हम छोटा समझें तो ये ऐसे ऐसे ऑसिलेट कर सकता है, समझ रहे हो,
ये अपनी जगह नहीं छोड़ेगा, लेकिन अपनी मेन पोजीशन पे, जिस पोजीशन पे है वहाँ पर ये ऑसिलेट कर सकता है। क्लियर हुई बात? तो क्या पढ़ा हमने, कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड। तो पहली क्या होती है कि डेफिनेट मास होता है, वॉल्यूम होती है और शेप होता है। सेकेंड क्या होता है बच्चे, और वॉल्यूम का मतलब साइज भी बोल सकते हो, ठीक है, डेफिनेट शेप एंड साइज। दे आर नॉट कंप्रेसिबल, दे आर वेरी रिजिड। थर्ड क्या है, इंटरमोलिकुलर फोर्सेस इन सॉलिड्स आर वेरी स्ट्रॉन्ग, जो फोर्सेस होंगे वो बहुत स्ट्रांग होंगे। फोर्थ है कि इनका डिस्टेंस कम होगा, क्योंकि फोर्स स्ट्रांग है तो डिस्टेंस तो कम ही होगा। फिफ्थ क्या है बच्चे, कि देयर कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स एटम्स मॉलिक्यूल्स और आयंस हैव फिक्स्ड पोजीशन, उनकी पोजीशन फिक्स्ड रहेगी इन इन द सॉलिड स्ट्रक्चर, बट दे कैन ऑसिलेट अबाउट देयर मेन पोजीशन। क्लियर हुई इतनी बात? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बच्चे इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है, क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड्स। तो हेडिंग डालिए क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड्स। क्लासिफिकेशन का मतलब क्या होता है, विभाजित करना, मतलब डिवाइड करना, कि सॉलिड्स जो होते हैं ना उनको भी डिवाइड कर देते हैं। मतलब कैसा, मतलब ये यार देखो, जैसे सब्सटेंस होते हैं दुनिया में, मैटर कितने प्रकार के होते हैं, तीन प्रकार के बोले जाते हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस। तो मैटर को डिवाइड किया गया, क्लासिफाइड किया गया तीन में, सॉलिड, लिक्विड और गैस। मैटर को कितने में डिवाइड किया गया, सॉलिड, लिक्विड और गैस। अब सॉलिड को भी डिवाइड किया गया है दो भागों में, ठीक है, जिसमें क्या होता है दो आते हैं, क्रिस्टलाइन और एक अमरफस, और जो अपने ट्वेल्थ में ना बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो ये होते क्यों हैं, डिवाइड कैसे होते हैं, ठीक है, तो डिवाइड होने का रीज़न क्या होता है उसको लिखते हैं हम, ऑन द बेसिस ऑफ, ध्यान से समझिएगा ये इंपॉर्टेंट, यहाँ पर लिख देते हैं हम, ये इंपॉर्टेंट है अपने लिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहीं से स्टार्ट होता है एक्चुअल में अपना सॉलिड, ये तो हमें बचपन में पहले से ही पढ़े रखे होते हैं छोटे छोटे, है ना। चलिए तो यहाँ लिखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड। तो ऑन द बेसिस ऑफ ऑर्डर ऑफ, ऑन द बेसिस ऑफ ऑर्डर ऑफ अरेंजमेंट, ये बहुत ज़रूरी चीज़ है समझना, कि ऑन द बेसिस ऑफ ऑर्डर ऑफ अरेंजमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स समझ में आई ना बात, अभी समझाया था कि वो पार्टिकल जिनसे मिलके सॉलिड बना हुआ होता है उन्हें बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। ऑन द बेसिस ऑफ ऑर्डर ऑफ अरेंजमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स सॉलिड्स कैन बी क्लासिफाइड, सॉलिड्स या लिख सकते हो कैन बी की जगह आर, सॉलिड्स आर क्लासिफाइड। और बच्चे हम इसमें ना सारे एनसीईआरटी के क्वेश्चन करेंगे तो मज़ा आने वाला है, बिल्कुल लेक्चर छोड़ने की ज़रूरत नहीं है, कंप्लीट पढ़ना है, ओके, बहुत मज़ेदार लेक्चर होगा। ऑन द बेसिस ऑफ ऑर्डर और अरेंजमेंट ऑफ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल सॉलिड्स आर क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स। पहला कौन सा होता है, पहला होता है क्रिस्टलाइन सॉलिड, ठीक है, पहला होता है अपना क्रिस्टलाइन सॉलिड, जैसे क्रिस्टल होता है ना, क्रिस्टल बिल्कुल वही वाला वर्ड है जी, क्रिस्टलाइन सॉलिड, ठीक है। इसकी डेफिनेशन समझते हैं फिर समझ में आएगा। देखिए, और ये तो आपको समझ में आया कि सॉलिड्स जो दो उसमें क्लासिफाइड करा गया है, दो टाइप में क्लासिफाइड किया गया है, वो किसके बेसिस पे किया गया है, ऑर्डर ऑफ अरेंजमेंट, मतलब ऑर्डर ऑफ अरेंजमेंट ऑफ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। इनके जो पार्टिकल्स हैं इनका जो ऑर्डर होगा, ऑर्डर मतलब क्या होता है यार, देखो बहुत एक आसान से समझ सकते हैं, जैसे मान लो एक सॉलिड ये है, ठीक है, समझिएगा, उसके बाद हम लिखते हैं, एक सॉलिड ये है। अब यहाँ पर आप देखोगे कि ये बिल्कुल परफेक्टली क्या है कि पाँच 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 पाँच, तो जो ऑर्डर है वो बिल्कुल सेम है, ठीक है। तो इसको अगर हमने बोल दिया एक सॉलिड ए, इसको हमने क्या बोला बच्चे, सॉलिड ए, और ऐसे ही एक सॉलिड हम यहाँ बनाते हैं, ठीक है। अब यहाँ तो पाँच हो गए, अब दूसरे वाले में मान लो एक दो तीन हो गए, ठीक है, और वो तीन भी क्या है, थोड़े थोड़े दूर दूर हो गए, जैसे यहाँ पर बिल्कुल बराबर बराबर पे हैं, लेकिन यहाँ पर क्या हो गए, थोड़े दूर दूर हो गए। और थर्ड वाला ऐसा हो गया, मान लो ये ऐसे चले गए, ये फिर ऐसे चले गए, ठीक है। तो इनका कोई अरेंजमेंट नहीं है ना, कोई भी एक अरेंजमेंट नहीं है, जैसे यहाँ पर एक परफेक्ट अरेंजमेंट है, इक्वल डिस्टेंस है और बिल्कुल इक्वल इक्वल नंबर के लगे हुए हैं लाइन में, लेकिन यहाँ पर वो अरेंजमेंट नहीं है। तो बच्चे ये जो सॉलिड्स होंगे अरेंजमेंट, वो ऑर्डर होगा, इसका ऑर्डर परफेक्ट है और इसका ऑर्डर इम्परफेक्ट है। तो जो परफेक्ट वाला है सॉलिड है इसको हम बोलेंगे क्रिस्टलाइन, और जिसमें अरेंजमेंट परफेक्ट नहीं है, समझ गए, ऑर्डर परफेक्ट नहीं है, क्या नहीं है इनका, ऑर्डर ऑफ क्रिस्टलाइन, ऑर्डर ऑफ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स जहाँ पर परफेक्ट नहीं है उसको हम बोलते हैं क्रिस्टलाइन एमरफस सॉलिड। जिसमें परफेक्ट होगा ऑर्डर वो होगा क्रिस्टलाइन, और जिसमें इम्परफेक्ट होगा वो क्या होगा, वो क्या होगा बच्चे, वो होगा एमरफस सॉलिड। क्लियर हुई? तो पहले हम पढ़ेंगे क्रिस्टलाइन सॉलिड के बारे में। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड क्या होते हैं, इसमें लिखिए द सब्सटेंस या फिर द सॉलिड्स, ठीक है, द सब्सटेंस भी लिख सकते हो, द सब्सटेंस,
देखिए सब्सटेंस भी लिख सकते हैं या बच्चे सॉलिड्स भी लिख सकते हैं इसकी जगह। क्लियर हो गई बात? यहाँ पर ऐसे स्लैश लगा के आप सॉलिड्स भी लिख सकते हैं। द सब्सटेंस या फिर द सॉलिड्स हुज कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, हुज कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, कॉन्स्टिट्यूएंट्स पार्टिकल्स आर अरेंज्ड इन आर अरेंज्ड इन अ डेफिनेट, इस लाइन पर ध्यान दीजिएगा, आर अरेंज्ड इन अ डेफिनेट ज्योमेट्रिक, डेफिनेट ज्योमेट्रिक पैटर्न, ठीक है, इन द थ्री डायमेंशनल स्पेस, इन द थ्री डायमेंशनल स्पेस, पहले लिख लीजिए उसके बाद समझ में आएगा, इन द थ्री डायमेंशनल स्पेस आर कॉल्ड क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। देखिए बच्चे अभी आपको समझाया था ना कि जो सॉलिड्स होते हैं वो दो तरीके से क्लासिफाइड होते हैं, अमरफस और क्रिस्टलाइन। तो हमने पहला कौन सा स्टार्ट करा है? क्रिस्टलाइन। क्रिस्टलाइन कौन से होंगे? जिनका जो ऑर्डर होगा, ये एक अरेंजमेंट हो गया कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स का। अब इसी चीज़ को हम अगर थ्री डायमेंशनल में समझें, समझ गए, जैसे इसके ऊपर एक और लेयर, तो ये थ्री डायमेंशनल हो जाएगा। थ्री डायमेंशनल में अगर ऑर्डर बिल्कुल ऐसा ही रहेगा, परफेक्ट, समझ गए, जो अरेंजमेंट होगा या फिर जो ऑर्डर होगा वो बिल्कुल परफेक्ट होगा। तो यहाँ पर जो परफेक्ट के लिए हमने जो डेफिनेशन यूज़ करी है वो क्या करी है? इन अ डेफिनेट ज्योमेट्रिकल पैटर्न इन द थ्री डायमेंशनल स्पेस। डेफिनेट ज्योमेट्रिकल पैटर्न होना चाहिए। ज्योमेट्रिकल पैटर्न मतलब ये जो एक पैटर्न बनाएगा वो डेफिनेट होना चाहिए बच्चे, ठीक है, थ्री डायमेंशनल स्पेस में, उसको हम बोलेंगे क्रिस्टलाइन सॉलिड। मतलब समझ गए ना परफेक्ट, कि बिल्कुल भी इधर उधर नहीं होगा इसका एक भी पार्टिकल, सारे जैसे ये लगे हुए हैं इस वाले स्पेस में, बिल्कुल ऐसे ही थ्री डायमेंशनल में ये सारे लगे होंगे, ठीक है, तो इसको हम बोलेंगे क्रिस्टलाइन सॉलिड। और जहाँ पर इम्परफेक्ट होगा उसको हम बोलेंगे अमरफस सॉलिड। चलिए तो अमरफस की डेफिनेशन लिखते हैं, नोट कीजिए, लिखिए अमरफस सॉलिड देखिए अमरफस की सॉलिड डेफिनेशन बिल्कुल आसान है। कौन सी क्या होती है? द सॉलिड्स, यहाँ पर भी आप सॉलिड या सब्सटेंस कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है, द सॉलिड्स हुज कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, हुज कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर नॉट अरेंज्ड, वहाँ पर क्या था, अरेंज थे, आर नॉट अरेंज्ड, आर नॉट अरेंज इन अ डेफिनेट, इन अ डेफिनेट, डेफिनेट और रेगुलर, डेफिनेट हो या फिर रेगुलर हो एक ही मतलब होता है, नॉट अरेंज इन अ डेफिनेट और रेगुलर अरेंजमेंट इन थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्रिकल पैटर्न आर कॉल्ड अमरफस सॉलिड। क्लियर हुई इतनी बात? ओके, अब ग्रीक जो होती है ना, ग्रीक लैंग्वेज, उस ग्रीक लैंग्वेज में अमरफस का मतलब क्या होता है ये हमको समझना है। इन ग्रीक अमरफस, अमरफस मीन्स नो फॉर्म, मतलब समझे कि क्रिस्टलाइन की क्या होती है, एक फॉर्म होती है, लेकिन अमरफस की फॉर्म नहीं होती है। वो क्या होते हैं, पहले तो एक अरेंजमेंट में होते हैं और फिर बिगड़ जाते हैं, जैसे यहाँ पर था ना, कीजिए देखिए छोटे से रेंज में यहाँ पर तो ये क्या थे, ये बिल्कुल अरेंज थे, लेकिन यहाँ पर क्या हो गया, फिर ये बिगड़ गए, फिर आगे जाके ये और बिगड़ गए, समझ में आई बात? तो ये अगर बिल्कुल परफेक्ट रहेंगे तो क्रिस्टलाइन, और अगर ये परफेक्ट नहीं होगा इनका अरेंजमेंट, तो ये क्या हो जाएंगे बच्चे, अमरफस सॉलिड। चलिए एक क्वेश्चन जो हमेशा आता है, एक क्वेश्चन के तौर पर जो हमेशा आता है, जो हमको पता होना चाहिए, वो क्या होता है, इम्पोर्टेंट है, डिफरेंस बिटवीन, इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस होते हैं वो हमको याद होने चाहिए, डिफरेंस बिटवीन क्रिस्टलाइन एंड
अमरफस सॉलिड। चलिए एक एक करके डिफरेंस हम अच्छे से समझेंगे। पहला डिफरेंस क्या होता है, पहले यहाँ पर आप लिख लेंगे ऐसे करके क्रिस्टलाइन सॉलिड, इस तरफ हम लिखेंगे क्रिस्टलाइन के बारे में और इधर हम लिखेंगे अमरफस के बारे में, कि जो चीज़ क्रिस्टलाइन में होती है वो अमरफस में नहीं होती है। ठीक है, ठीक है। तो पहला क्या होता है, दे हैव, यहाँ पर लिखिए दे हैव डेफिनेट, दे हैव डेफिनेट शेप एंड साइज, दे हैव डेफिनेट शेप एंड साइज। क्रिस्टलाइन जो होगा बच्चे, उनका जो शेप और साइज होगा सॉलिड का वो कैसा होगा, बिल्कुल डेफिनेट होगा, समझ गए। और यहाँ पर क्या होगा, दे डू नॉट हैव डेफिनेट शेप एंड साइज, इनका जो शेप एंड साइज होता है वो डेफिनेट नहीं होता है। क्लियर हुई बात, डिफरेंस समझ में आया पहला। चलिए सेकंड लिखते हैं। सेकंड होता है क्रिस्टलाइन सॉलिड, क्रिस्टलाइन सॉलिड मेल्ट, इसको इम्पोर्टेंट है, ध्यान से समझिएगा, क्रिस्टलाइन सॉलिड मेल्ट एट कैरेक्टरिस्टिक और एट शार्प पॉइंट। देखिए ये इम्पोर्टेंट है समझने का, क्रिस्टलाइन सॉलिड जो होते हैं ना, वो मेल्ट का मतलब क्या होता है, पिघलना। ठीक है, सॉलिड है तो उसको अगर हम टेम्परेचर बढ़ा देंगे तो वो क्या हो जाएगा, पिघल जाएगा, मेल्ट हो जाएगा। तो ये इनका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है या फिर जो ये मेल्ट होते हैं वो शार्प और कैरेक्टरिस्टिक्स होता है। मतलब क्या है सर इसका, जैसे भाई सोडियम है या फिर क्या है एल्युमिनियम है या फिर आयरन है, तो इनका जो मेल्टिंग पॉइंट होगा, मान लीजिए अगर इनका मेल्टिंग पॉइंट ये मान लिया हमने कि 35703 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, ये इसका मेल्टिंग पॉइंट है मान लीजिए आयरन का, लेट कर लेते हैं। तो ये 35703 डिग्री सेल्सियस पे ही होगा, ना तो 0.2 पे होगा ना 0.1 पे होगा, क्लियर हो गई बात, ना 0.4 पे होगा, मतलब जो आपको ये गिवन है बिल्कुल इसी पे होगा, आगे पीछे बिल्कुल नहीं। लेकिन इसमें क्या होता है, क्रिस्टलाइन वो एमरफस वाले में क्या होता है, एमरफस में समझिएगा, दे ग्रेजुअली सॉफ्टन ओवर अ रेंज ऑफ टेम्परेचर, दे ग्रेजुअली सॉफ्टन ओवर अ रेंज ऑफ टेम्परेचर। अब जैसे ये हो गया क्रिस्टलाइन का आयरन, है ना, क्योंकि ये हो गया आयरन एग्जाम्पल हो गया क्रिस्टलाइन का। और एमरफस का एक एग्जाम्पल मान लेते हैं, एमरफस होता है जैसे ग्लास या फिर मान लेते हैं रबर, इसके एग्जाम्पल होते हैं, है ना, ग्लास और रबर है। इसका अगर टेम्परेचर हमको ऐसे दे रखा है कि ये भाई 300 डिग्री सेल्सियस पे होगा, ठीक है, तो हो सकता है कि 300 से पहले ही, मतलब 298-299 पे ही ये क्या हो जाए, पिघलना स्टार्ट हो जाए। ऐसा यहाँ नहीं होता, ये 0.3 भी है तो 0.3 पे ही होगा, लेकिन ये जो होते हैं ये सॉफ्ट हो जाते हैं इसी पर, मतलब ये इसी पर पिघल जाते हैं। और ऐसा भी हो सकता है कि 301 पे भी पिघले। क्लियर हो गई बात, कि इनका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो कैरेक्टरिस्टिक्स, मतलब जो दिया गया है, और शार्प होगा, लेकिन इसमें ऐसा नहीं होगा, ये रेंज ऑफ टेम्परेचर पर क्या हो जाएंगे, सॉफ्ट हो जाएंगे, समझे। चलिए थर्ड पॉइंट लिखते हैं बच्चे, थर्ड क्या है अपना, दे हैव, क्रिस्टलाइन की बात कर रहे हैं, दे हैव डेफिनेट एंड कैरेक्टरिस्टिक्स हीट ऑफ फ्यूजन का मतलब क्या होता है, कि अगर हम किसी सॉलिड को क्या करेंगे, मतलब जलाएंगे, तो उसमें से हीट निकलेगी, ठीक है, तो इसमें जो हीट निकलेगी वो बिल्कुल परफेक्ट होगी, मतलब कि अगर वहाँ पर जैसे यहाँ पर मेल्टिंग पॉइंट वाला समझे थे ना, तो ऐसे अगर इसकी हीट ऑफ फ्यूज़न मान लो डेल्टा एच -3340 किलो जूल दे रखी है, ठीक है, पर मोल, तो अगर आप एक मोल को जलाने के लिए इतनी हीट यूज़ करते हैं, ठीक है,
तो ये बिल्कुल चेंज नहीं होगी, ना तो 3345 होगी, ना तो 3341 होगी, क्लियर हो गई, ना तो 3335 होगी, ना 3339 होगी, आगे पीछे नहीं होगी। तो इसकी जो होगी लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन या हीट ऑफ फ्यूजन, वो क्या होगी, डेफिनेट होगी और करेक्टरिस्ट होगी, जो भी हमें गिवन होगी ना उतनी होगी, क्लियर हो गई बात। चलिए लेकिन इसमें क्या होता है, इसमें ऐसा नहीं होता है, यहाँ पर लिखते हैं दे डू नॉट हैव, देखिए स्टार्टिंग के लिए बहुत आसान है, दे डू नॉट हैव डेफिनेट, दे डू नॉट हैव डेफिनेट हीट ऑफ फ्यूजन, इनकी हीट ऑफ फ्यूजन डेफिनेट नहीं होती है, क्लियर हो गई बात। चलिए फोर्थ पॉइंट लिखते हैं, फोर्थ पॉइंट सबसे जरूरी पॉइंट है इसका, दे आर एन आइसोट्रॉपिक इन नेचर, ये जो वर्ड है एन आइसोट्रॉपिक, इसको हमें समझना है अच्छे से, दे आर एन आइसोट्रॉपिक इन नेचर, दे आर एन आइसोट्रॉपिक इन नेचर। एन आइसोट्रॉपिक क्या होता है, एन आइसोट्रॉपिक जो वर्ड है इसका मतलब होता है एन आइसोट्रॉपिक प्रॉपर्टीज है। सर एन आइसोट्रॉपिक प्रॉपर्टी क्या होती है, देखो यार एन आइसोट्रॉपिक प्रॉपर्टी के लिए हमें एनसीईआरटी दिखाते हैं, थोड़ी सी समझिएगा। देखिए एन आइसोट्रॉपिक प्रॉपर्टी होती है बेटे, जैसे हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में जानते हैं कि हर एक सब्सटेंस का क्या होता है, एक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, ठीक है, जैसे वाटर का अलग होता है, एयर का अलग होता है। तो अगर हम, ये एक क्रिस्टलाइन सॉलिड है, इस क्रिस्टलाइन सॉलिड में अगर दो दो दिशाओं में, मतलब दो डायरेक्शन में, जैसे एक ए टू बी और एक सी टू डी, हमने दो डायरेक्शन में इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाला, तो दोनों डायरेक्शन में इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा, अलग अलग आएगा इन केस ऑफ क्रिस्टलाइन। इसलिए इनको क्या बोला जाता है, एन आइसोट्रॉपिक, एन का मतलब आइसोट्रॉपिक नहीं, आइसोट्रॉपिक मतलब सेम होता है और एन मतलब क्या हो जाता है, अलग अलग, तो मतलब समझ गए ना, सेम नहीं होगा, डिफरेंट होगा। तो एन आइसोट्रॉपिक मतलब क्या हो गया कि अगर दो डायरेक्शन में इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैलकुलेट किया जाए तो दोनों में क्या होगा, अलग अलग होगा। वो क्यों होगा, क्योंकि देखिए परफेक्ट है इसका अरेंजमेंट, तो अगर आप इधर से देखेंगे तो ये जो एटम बीच में आएंगे, समझ रहे हो बात, अगर हम एक और लाइन बना दें डी टू ई तो ज़्यादा समझ में आएगा, ई टू एफ, तो क्या होगा इसमें आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होगा। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मतलब क्या होता है कि जहाँ पर आपको ज़्यादा पार्टिकल्स नज़र आएंगे ना, जहाँ पर मीडियम क्या होगा, ज़्यादा डेंसर होगा, उसमें क्या होगा, ज़्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मिलेगा म्यू की वैल्यू, और यहाँ पर आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा, कम मिलेगा। तो ये एन आइसोट्रॉपिक होते हैं। अगर हम ए से बी में देखेंगे तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग है, सी से डी में देखेंगे तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग है, और ई से एफ में देखेंगे तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग है। तो हर डायरेक्शन में अगर आपको अलग प्रॉपर्टी मिल रही है तो ऐसी प्रॉपर्टीज को हम बोलते हैं एन आइसोट्रॉपिक प्रॉपर्टी, क्लियर हो गई बात। तो क्रिस्टलाइन क्या होते हैं, एन आइसोट्रॉपिक इन नेचर। चलिए तो यहाँ पर हमने लिखा कि दे आर एन आइसोट्रॉपिक इन नेचर, और हम बोल सकते हैं यहाँ पर साइड में लिख सकते हैं डिफरेंट डायरेक्शन शोज डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन, डिफरेंट डायरेक्शन अभी दिखाया था ना कि अलग अलग डायरेक्शन में, डिफरेंट डायरेक्शन शोज डिफरेंट वैल्यूज ऑफ प्रॉपर्टी। जैसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की प्रॉपर्टी होती है वो क्या होगी, डिफरेंट डायरेक्शन में डिफरेंट होगी, क्लियर हो गई। और अगर हम इसकी बात करें किसकी, तो ये आइसोट्रॉपिक होते हैं, ये क्या होते हैं, आइसोट्रॉपिक इन नेचर, मतलब दे हैव सेम वैल्यू ऑफ सेम वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी इन ऑल डायरेक्शन। अब एक मन में क्वेश्चन आता है कि सर देखिए इसमें डिफरेंट डायरेक्शन में डिफरेंट है और इसमें सेम कैसे, बल्कि इनके जो अरेंजमेंट है वो तो बिल्कुल भी ऑर्डर नहीं होते है ना, और फिर भी आप बोल रहे हैं कि ये सेम होगी वैल्यू हर प्रॉपर्टी, मतलब कि अगर हम यहाँ पर एक ऐसे समझिएगा जैसे एक एमरफस बनाते हैं, तो एमरफस में क्या होता है कि ये अरेंजमेंट बिल्कुल भी ऑर्डर जो होगा वो डेफिनेट नहीं होगा, है ना, तो ये अलग अलग हो गया, कहीं से भी कुछ भी हो सकता है, क्लियर है, ठीक है। तो ये एक अमरफस बना दिया हमने, तो यार अमरफस में क्या होता है, ये ऑलरेडी क्या है, किसी एक डेफिनेट में तो है नहीं है, तो जो भी हम वैल्यू लेंगे इसकी, जैसे हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू लेंगे ए से बी मान लीजिए यहाँ पर,
तो जो वैल्यू आएगी वो एवरेज ली जाएगी, समझ रहे हो, इनके एवरेज में। तो ए से बी लें चाहे ऐसे बी से सी से डी लें, तो ये जो वैल्यू आएगी वो क्या होगी, सेम ही आएगी। क्लियर हो गई, क्योंकि इनका कोई भी डेफिनेट अरेंजमेंट नहीं है। वहाँ पर क्या है कि एक जगह पर पूरी जगह खाली थी और एक में एटम ही एटम आ रहे थे, जहाँ जगह बिल्कुल खाली थी वहाँ पर तो रिफ्रेक्टिव इंडेक्स कम आ जाएगा, और जहाँ जहाँ पर एटम ही एटम आ रहे हैं बीच में डायरेक्शन में, उसमें क्या होगा, वैल्यू ज़्यादा आ जाएगी। इसलिए अलग अलग होती है, किस केस में, इसमें क्रिस्टलाइन में। इसलिए ये एन आइसोट्रॉपिक नेचर होते हैं, इनकी जो प्रॉपर्टी होती है वो एन आइसोट्रॉपिक होती है, इनकी क्या होगी, आइसोट्रॉपिक। क्लियर हुई बात। चलिए फिफ्थ पॉइंट लिखते हैं, यहां पर लिखते हैं दे हैव लॉन्ग रेंज, दे हैव लॉन्ग रेंज ऑर्डर, ठीक है, और ये क्या हो जाएगा, इसका उल्टा बहुत आसान है, दे हैव शॉर्ट रेंज ऑर्डर। लॉन्ग रेंज ऑर्डर का मतलब क्या है कि जिनके जो पार्टिकल्स होंगे, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल, उनका जो ऑर्डर होगा वो बिल्कुल फिक्स होगा एक लॉन्ग रेंज तक। लेकिन इनमें क्या है, ये शॉर्ट रेंज के लिए तो लगता है कि ये परफेक्ट है, यहाँ पर जो ऑर्डर है वो डेफिनेट है, लेकिन फिर क्या हो जाएगा, ये बिगड़ जाएगा, समझ रहे हो। जैसे यहाँ पर ये सही है, यहाँ पर ये सही है, लेकिन आगे जाके ये क्या हो गया, ये जगह खाली हो गई, तो ये क्या है, शॉर्ट रेंज है। कि कहीं कहीं तो ये छोटी छोटी जगह पर तो ये इनका ऑर्डर डेफिनेट है, लेकिन फिर आगे जाके क्या हो जाता है, ख़राब हो जाता है, इसलिए इनको क्या बोला जाता है, शॉर्ट रेंज ऑर्डर। क्लियर हुई बात, ठीक है। चलिए लास्ट लिखते हैं इसके सिक्स में, एग्जाम्पल, एग्जाम्पल, एग्जाम्पल में क्या आते हैं बच्चे, ये होते हैं कॉपर और सिल्वर, कॉपर सिल्वर या फिर हम बोले NaCl, ये सब कैसे होते हैं, ये सब होते हैं क्रिस्टलाइन। और इनमें कौन से आते हैं, इनमें आते हैं बच्चे ग्लास या फिर रबर, ये सब कैसे होते हैं, ये होते हैं अपने अमरफास। क्लियर हो गई बात, एटसेट्रा। देखिए एक प्रॉपर्टी और हम लिख सकते हैं जिसको याद कर सकते हो आप, सेवेंथ, जैसे सॉलिड्स है ना, तो ये सॉलिड्स को भी दो कैटेगरी में कैसे डिवाइड किया था, क्रिस्टलाइन और अमरफस, है ना। तो क्रिस्टलाइन को हम ट्रू सॉलिड बोलते हैं, कि बिल्कुल ट्रू सॉलिड होते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड, मतलब बिल्कुल मजबूत, बिल्कुल हार्ड। क्लियर हो गई बात। और ये कैसे होते हैं, ये श्यूडो सॉलिड होते हैं, श्यूडो, श्यूडो मतलब सॉलिड जैसे होते हैं, वैसे श्यूडो का मतलब होता है सच्चा नहीं होता, मतलब झूठा बोला जाता है। तो ये सॉलिड तो है लेकिन झूठे सॉलिड हैं, समझ गए, बस लगते हैं सॉलिड जैसे पर होते नहीं हैं, लेकिन ये माने गए हैं कि ये सॉलिड्स ही हैं, इसलिए इनको क्या बोला गया, श्यूडो सॉलिड्स। तो दे आर श्यूडो सॉलिड्स और सुपर कूल्ड लिक्विड, और सुपर कूल्ड लिक्विड। इस वर्ड से आपको अच्छा समझ में आया होगा कि अगर हम एक लिक्विड को बिल्कुल सुपर कूल कर दें तो वो भी एक सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो उन्हीं सुपर कूल्ड लिक्विड को या सॉलिड श्यूडो लिक्विड को हम क्या बोलते हैं, अमरफस लिक्विड बोलते हैं। क्लियर हो गई बात। चलिए तो ये डिफरेंस अपने खत्म हो गए। अब एक लास्ट लिखते हैं यहाँ पर, सम यूजेस ऑफ, देखिए ये क्वेश्चन आता है, सम यूजेस ऑफ अमरफस सॉलिड। सम यूजेस ऑफ अमरफस सॉलिड, तो लिखते हैं इसमें अमरफस सॉलिड amorphous solid such as glass, और साथ साथ लिखेंगे तभी अच्छा समझ में आएगा आपके, बिल्कुल भी गड़बड़ी नहीं करनी कि कुछ लिखा और कुछ नहीं लिखा, ठीक है। तो लिखिए amorphous solids are glass, rubber, plastic, etc. has very useful, are very useful, etc. are very useful in our daily life. देखिए हमको पता है ना कि amorphous solid जैसे क्या है, ग्लास है, रबड़ है और प्लास्टिक है, इन सबको हम डेली लाइफ में खूब यूज़ करते हैं, ठीक है। और सेकेंड इसमें लिखिए रबर इज यूज इन टायर्स, ये बात समझते हैं आप कि रबर से क्या बनता है, टायर बनता है, ठीक है। तो अमरफस सॉलिड भी बहुत ज़रूरी होते हैं, ऐसा नहीं है कि अमरफस सॉलिड
अच्छे सॉलिड नहीं होते, जैसे यहाँ पर लिखा है स्यूडो सॉलिड, तो इनका कोई यूज़ नहीं है। नहीं, अमॉर्फस सॉलिड भी बहुत यूज़फुल होते हैं, प्लास्टिक बनानी हो या फिर रबड़ हो या फिर टायर हो, तो इनके लिए क्या होता है, अमॉर्फस यूज़ होता है। जैसे ये पेन भी है, तो ये पेन क्या है, ये अमॉर्फस सॉलिड है, क्लियर हुई बात, लेकिन ये सॉलिड है। चलिए बच्चे, अब नेक्स्ट टॉपिक डालते हैं, फर्स्ट टॉपिक अपना ख़त्म, कि क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड कितने प्रकार के होते हैं। क्या पढ़ा हमने इसमें, कि क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड, ये रहा क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड, दो तरीके से होते हैं, किसके बेसिस पे, ऑर्डर ऑफ अरेंजमेंट ऑफ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स के ऑर्डर पे। अगर अरेंजमेंट डेफिनेट होगा तो वो क्रिस्टलाइन होंगे, डेफिनेट नहीं होगा तो वो अमॉर्फस होंगे, क्लियर है। फिर हमने पढ़ा इसमें डिफरेंस बिटवीन क्रिस्टलाइन और अमॉर्फस, तो यहाँ पर समझ में आ गया, डेफिनेट शेप साइज, यहाँ पर डेफिनेट शेप साइज नहीं होता, इनका मेल्टिंग पॉइंट शार्प होता है, इनका मेल्टिंग पॉइंट शार्प नहीं होता, ये सॉफ्ट, ये हाल सॉफ्ट हो जाते हैं रेंज में ही। यहाँ पर जो होता है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न या हीट ऑफ फ्यूज़न हम बोलते हैं, ये कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, मतलब जितनी गिवन है उतनी होगी, और यहाँ पर ऐसा नहीं होता। ये एनआइसोट्रॉपिक होते हैं कि डिफरेंट प्रॉपर्टी शो करते हैं डिफरेंट डायरेक्शन में, लेकिन यहाँ पर सेम प्रॉपर्टी शो करते हैं। इनका लॉन्ग रेंज ऑर्डर होता है, इनका शॉर्ट रेंज होता है। ये कॉपर सिल्वर NaCl इनके एग्जाम्पल, यहाँ ग्लास और रिवर। और लास्ट में क्या होता है कि ये ट्रू सॉलिड माने जाते हैं और ये स्यूडो सॉलिड माने जाते हैं। अब हम कुछ यूज़ पढ़ते हैं इनके, अमॉर्फस के, ठीक है, जो हमने पढ़ लिए यहाँ पर, कि रबर और इन सब के हमें डेली लाइफ में बहुत सारे यूज़ होते हैं। चलिए अब सेकंड टॉपिक NCERT का स्टार्ट करते हैं बच्चे, वो क्या है अपना, क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड। जैसे सॉलिड्स को दो भागों में तोड़ा गया है, क्रिस्टलाइन और अमॉर्फस। अब क्रिस्टलाइन सॉलिड जो है, क्रिस्टलाइन सॉलिड जो डेफिनेट है, समझ गए, इस क्रिस्टलाइन सॉलिड को भी फोर पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, ठीक है, जिसमें से कौन कौन से पार्ट होते हैं लिखिए, पहले किस बेसिस पर इनको डिवाइड किया गया है वो लिखते हैं। जैसे उनको किस बेसिस पर किया गया था, ऑर्डर ऑफ अरेंजमेंट पर, तो इनको किस पर किया गया बच्चे, लिखना स्टार्ट करिए, ऑन द बेसिस ऑफ, इस चीज को समझिएगा क्योंकि इसके हम क्वेश्चन करेंगे NCERT से, ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ, ये वर्ड लिखिए, इंटरमोलिक्यूलर फोर्सेस, ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ इंटरमोलिक्यूलर फोर्सेस ऑपरेटिंग इन क्रिस्टलाइन सॉलिड, दे आर क्लासिफाइड, दे आर क्लासिफाइड इंटू फोर कैटेगरीज। इनको चार कैटेगरी में क्या करा गया है, क्लासिफाइड किया गया है या फिर डिवाइड किया गया है, और किस बेसिस पे किया है, इंटरमोलिक्यूलर फोर्सेस। हर सॉलिड में, मतलब अलग अलग सॉलिड में, क्रिस्टलाइन में भी चार तरह के सॉलिड हैं, चारों तरह के सॉलिड में अलग अलग तरह की इंटरमोलिक्यूलर फोर्स होगी, ठीक है, अब इसे लिखते हैं तभी समझ में आएगा। लेकिन वो चार तरीके कौन कौन से होते हैं, किस किस में डिवाइड किया गया है, तो पहला होता है अपना मोलिकुलर सॉलिड, पहला है अपना मोलिकुलर सॉलिड, ठीक है, सेकंड क्या है, सेकंड है अपना आयोनिक सॉलिड, थर्ड लिखिए, थर्ड है मेटेलिक सॉलिड, और फोर्थ आता है अपना कोवेलेंट और नेटवर्क सॉलिड, ठीक है, क्लियर हुई बात। कितने तरह से होते हैं, चार तरह से, अब इन चारों को हमें पढ़ना है डिटेल में। तो पहला कौन सा है, मॉलिक्यूलर सॉलिड, तो फर्स्ट लिखते हैं मॉलिक्यूलर सॉलिड, और ये बहुत आसान है, अगर आपको क्रिस्टलाइन और अमॉर्फस समझ में आ गए तो बहुत आसान लगेंगे। देखिए मॉलिक्यूलर सॉलिड क्या होते हैं, दीज आर द क्रिस्टलाइन सॉलिड, ये किसकी कैटेगरी के हैं, क्रिस्टलाइन की, तो क्या बोले जाएंगे, दीज आर द क्रिस्टलाइन सॉलिड इन विच, जिसमें, इन विच द कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, समझिएगा, इन विच द कंस्टिट्यूएंट, कंस्टिट्यूएंट मतलब जिनसे ये, जिन पार्टिकल से ये मिलके बना हुआ है सॉलिड, इन विच द कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर मॉलिक्यूल्स,
अगर सॉलिड मॉलिक्यूल से बन के बना है तो उन्हें क्या बोलेंगे? मॉलिक्यूलर सॉलिड। क्लियर हुई बात? दीज आर द क्रिस्टलाइन सॉलिड इन विच द कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर सॉलिड मॉलिक्यूल्स। ठीक है, तो उन्हें बोलते हैं मॉलिक्यूलर सॉलिड। अगर मॉलिक्यूल से बन के बना है तो मॉलिक्यूलर सॉलिड होता है। आगे लिखिए इसी में, दीज आर, अब ये मॉलिक्यूलर है ना ये बच्चे, देखो जैसे क्रिस्टलाइन को चार में डिवाइड किया गया, जिसमें से एक क्या मॉलिक्यूलर सॉलिड जो हम पढ़ रहे हैं, ये मॉलिक्यूलर भी तीन में डिवाइड है। ठीक है, द मॉलिक्यूलर सॉलिड मतलब मॉलिक्यूल्स भी तीन प्रकार के होते हैं। ठीक है, समझिएगा, द मॉलिक्यूलर सॉलिड, द मॉलिक्यूलर सॉलिड आर सब डिवाइडेड, सब डिवाइडेड इंटू थ्री पार्ट्स या इंटू थ्री कैटेगरीज। ठीक है, जिसमें सबसे पहले क्या आएगा, इसमें पहला आएगा नॉन पोलर, नॉन पोलर सॉलिड। पहला क्या है बच्चे? नॉन पोलर सॉलिड। नॉन पोलर में क्या होता है? दीज आर द, लिखिए दीज आर द, दीज आर द क्रिस्टलाइन सॉलिड, दीज आर द क्रिस्टलाइन सॉलिड इन विच कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, इन विच कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर आइदर एटम लाइक नोबल गैसेस। नोबल गैसेस क्या होती है? जैसे पीरियोडिक टेबल होती है, पीरियोडिक टेबल में जो लास्ट वाला कॉलम होता है वो सारे एटम क्या होते हैं? नोबल गैसेस के, हीलियम। ठीक है, उसके बाद क्या आता है? नियोन। नियोन के बाद क्या आता है? क्या ना, क्रिप्टन, आर्गन, जेनॉन, ये सब क्या होते हैं? नोबल गैसेस। तो इनसे मिलके जो सॉलिड बना होता है उसको हम बोलते हैं नॉन पोलर सॉलिड। क्लियर है? पोलर मतलब होता है कि जैसे कोई एक मॉलिक्यूल है, ए बी एक मॉलिक्यूल है, ठीक है, तो अगर ए और बी में चार्ज है जैसे प्लस और माइनस का, तो ये तो माना जाएगा पोलर। ठीक है, पोलर मॉलिक्यूल। लेकिन अगर ऐसा है ए और ए, तो इनमें कोई चार्ज नहीं होगा क्योंकि दोनों इक्वल इक्वल हैं। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं नॉन पोलर, कोई भी चार्ज नहीं है, इस पर भी चार्ज जीरो, इस पर भी चार्ज जीरो, तो इसे हम बोलते हैं नॉन पोलर मॉलिक्यूल। ठीक है, तो ये जो बना हुआ है नॉन पोलर सॉलिड, ये इससे बना हुआ है, ए वाले से। क्लियर है? नॉन पोलर मॉलिक्यूल से। तो इनसे बनने वाले सॉलिड को हम बोलते हैं नॉन पोलर सॉलिड। दीज आर द क्रिस्टलाइन सॉलिड इन विच कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर क्या होंगे? एटम लाइक नोबल गैसेस। क्लियर हो गई बात? और नॉन पोलर एटम्स, इन्हीं को हम क्या बोल सकते हैं? नॉन पोलर एटम्स। ठीक है, एग्जाम्पल, सॉलिड में हीलियम, सॉलिड हीलियम आपने नहीं देखा होगा लैब में, या फिर अभी तक सुना नहीं होगा कभी, क्योंकि हीलियम हमने गैस सुनी है, लेकिन सॉलिड हीलियम भी होता है। ठीक है, या फिर सॉलिड आर्गन, ठीक है, या फिर सॉलिड हाइड्रोजन, हाइड्रोजन जो होती है ना H2 गैस, उसका भी एक सॉलिड प्रकार होता है जो क्या होता है? नॉन पोलर सॉलिड माना जाता है। क्लियर हो गई बात? तो ए वाला टर्म खत्म। तो मॉलिक्यूलर, मॉलिक्यूलर में ये पहला है ए वाला। क्लियर हो गई बात? मॉलिक्यूलर तीन में डिवाइड है, जिसमें ये पहला हो गया नॉन पोलर। नॉन पोलर किससे बनता है? नोबल गैसेज या फिर एटम जो पोलर नहीं होते हैं। क्लियर हो गई? चलिए बी पढ़ते हैं अब। बी आता है अपना पोलर मॉलिक्यूल, पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स। पोलर मॉलिक्यूलर क्या होते हैं? लिखिए द सॉलिड्स हुज कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, हुज कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर आर पोलर इन नेचर। ऐसे सॉलिड्स जिनके जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होंगे वो कैसे होंगे? पोलर इन नेचर होंगे। अभी पोलर समझाया था ना कि ए और बी अगर इस मॉलिक्यूल से बनके वो सॉलिड बना हुआ है ऐसे करके, तो ये जो होंगे वो पोलर होंगे, कि ये प्लस हो सकता है और ये क्या हो सकता है? माइनस हो सकता है। क्लियर हुई बात? एग्जाम्पल में कौन कौन आएंगे इसमें? एग्जाम्पल,
HCl, HCl आप जानते हैं H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव, तो HCl का जो एक सॉलिड बनाएंगे हम, तो वो बनेगा पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड, क्लियर। या फिर SO2, SO2 में भी क्या हो जाएगा, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, क्लियर हुई बात, ठीक है। एंड सॉलिड NH3, एंड सॉलिड NH3। अब ये एग्जांपल क्यों लिए हैं NH3 वाला, क्योंकि ऐसे एग्जांपल अपने NCERT बुक के हिसाब से जो हम क्वेश्चन करेंगे ना उसके बेसिस पे हमने सारे एग्जांपल लिए हैं, ठीक है। तो NH3 में भी क्या होगा, ये N क्या हो जाएगा नेगेटिव और H क्या हो जाएगा पॉजिटिव, तो ये क्या हो जाएगा एक पोलर सॉलिड हो जाएगा, पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड, क्लियर। चलिए थर्ड लिखिए, थर्ड है हाइड्रोजन, हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड, एक पोलर एक नॉन पोलर, और लास्ट होता है हाइड्रोजन बॉन्डेड। हाइड्रोजन बॉन्डेड मतलब जिसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग कभी नहीं सुनी हो तो कोई टेंशन नहीं, बस लिखिए यहाँ पर होता है मॉलिक्यूल्स ऑफ सॉलिड कंटेन्स, बस इतना याद रखना है कि इनमें जो ये मॉलिक्यूल्स होते हैं कंटेन्स हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इनमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग होनी चाहिए, हाइड्रोजन बॉन्डिंग या फिर हाइड्रोजन बॉन्ड बिटवीन देम, ठीक है भाई। ऐसे कौन से होते हैं, तो ऐसे होते हैं एग्जांपल H2O आइस। H2O आइस क्या होती है, एक सॉलिड होता है, मतलब वाटर को अगर क्या करें फ्रीज कर दें तो वो एक आइस बन जाती है। वो आइस में जो उसमें जो बॉन्ड होंगे वो कैसे होंगे, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, मतलब H2O का ये जो बॉन्डिंग होगी ना, एक H2O एक दूसरे H2O से ऐसे करके बनेगा, तो ये क्या हो जाएगी एक हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाएगी इधर, ये नहीं O और O में नहीं, जैसे H और O में जो दिखाई दे रही है ये क्या हो गई एक हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है। H और O में क्या हो जाएगी हाइड्रोजन बॉन्डिंग, एक और अगर बना लें H2O तो H और O में यहाँ पर भी क्या हो जाएगी हाइड्रोजन बॉन्डिंग, क्लियर हुई बात। तो ये बॉन्डिंग बहुत मजबूत होती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, ठीक है। तो क्लियर हो गया कि जो थर्ड होता है वो क्या होता है, हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड, क्लियर। चलिए तो ये मॉलिक्यूलर में तीन होते हैं, समझ में आ गए तीनों। पहला होता है नॉन पोलर जो नोबल गैसेस से बना होता है, फिर होता है पोलर जो क्या होता है पोलर एटम से बना होता है, और सी होता है हाइड्रोजन बॉन्डेड वाला जिसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी। अब हम सेकंड पढ़ते हैं, ये तीनों ख़त्म, सेकंड पढ़ते हैं आयोनिक सॉलिड। इसके बारे में हमने खूब पढ़ा होता है अभी तक, आयोनिक में जिसमें आयंस प्रेजेंट होते हैं ना। चलिए इसकी डेफिनेशन लिखते हैं, आयोनिक सॉलिड, आयोनिक सॉलिड कंसिस्ट ऑफ, आयोनिक सॉलिड कंसिस्ट ऑफ पॉजिटिवली एंड नेगेटिवली चार्ज्ड आयंस अरेंज्ड इन रेगुलर मैनर थ्रो आउट द सॉलिड, थ्रो आउट द सॉलिड, ठीक है। आगे लिखिए, आयंस आर हेल्ड टुगेदर बाई स्ट्रॉन्ग कूलम्बिक, अपने चैप्टर वन फिजिक्स में कूलम्ब फोर्स पढ़ाया है ना, कि एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव के बीच में क्या होती है, एक पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में एक इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन होता है ना, तो वो अट्रैक्शन कौन सी फोर्स मानी जाती है, कूलम्ब फोर्स मानी जाती है, ठीक है। या फिर पॉजिटिव पॉजिटिव के बीच में नेगेटिव होता है, तो आयंस भी पॉजिटिव नेगेटिव होते हैं, तो आयंस में जो पॉजिटिव और नेगेटिव होते हैं वो स्ट्रॉन्ग कूलम फोर्स से क्या होते हैं, जुड़े हुए होते हैं, तो आयंस आर हेल्ड टुगेदर बाय स्ट्रॉन्ग कूलम्बिक, ठीक है, कूलम्बिक, या फिर उस चैप्टर का नाम भी लिख सकते हो इलेक्ट्रोस्टैटिक, इस फोर्स को कूलम्बिक भी बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक भी बोलते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, क्लियर हुई इतनी बात, ठीक है। आगे लिखिए, आयोनिक सॉलिड्स
आयोनिक सॉलिड्स आर वेरी हार्ड। आयोनिक सॉलिड जो होते हैं क्या होते हैं, वेरी हार्ड होते हैं। क्यों? क्योंकि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होती है वो कैसी होती है, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्स होती है। क्लियर हुई बात? तो ये क्या होंगे, बहुत ज़्यादा हार्ड होंगे एंड ब्रिटल। ब्रिटल मतलब क्या होता है, जो चमकते हैं, ठीक है, एंड हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट इन सॉलिड स्टेट्स। आयोनिक सॉलिड के मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या होंगे, बहुत हाई होते हैं, ठीक है, इन सॉलिड स्टेट। क्लियर हुई इतनी बात? चलिए आगे लिखिए, दीज आर इंसुलेटर। दीज आर इंसुलेटर, ये कैसे होते हैं, इंसुलेटर होते हैं, ठीक है, ये कैसे होते हैं, इंसुलेटर मतलब इसमें इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं होती है, इसमें सिर्फ इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं हो पाते हैं, ठीक है। हाउ एवर मतलब लेकिन, हाउएवर दे आर कंडक्टर, ये कंडक्टर हो सकते हैं इन मोल्टन स्टेट। हाउएवर दे आर कंडक्टर इन मोल्टन स्टेट। अगर हम इसको पिघला दें तो आइंस क्या हो जाएंगे, अलग अलग हो जाएंगे, ठीक है, पॉजिटिव अलग नेगेटिव अलग, तो फिर इनके इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाएंगे, फिर ये क्या हो जाएंगे, कंडक्टर, मतलब इसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास हो जाएगी, ठीक है। तो ये क्या लिखा हुआ है, हाउएवर दे आर कंडक्टर इन मोल्टन स्टेट और व्हेन डिसॉल्वड इन वाटर, या फिर हम इसको वाटर में डिसॉल्व कर दें, व्हेन डिसॉल्वड इन वाटर, तब भी ये क्या हो जाएंगे, कंडक्टर बन जाएंगे, लेकिन वैसे क्या होते हैं, ये होते हैं इंसुलेटर। हाउएवर और व्हेन डिसॉल्वड इन वाटर। क्लियर हुई बात? एग्जाम्पल के तौर पर सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड क्या होता है, NaCl, जहाँ Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव। अगर हम NaCl के मॉलिक्यूल्स ले लें ऐसे करके, ठीक है, और इसका ये अरेंजमेंट ले लिया, समझिएगा, ठीक है, तो बच्चे अगर हम इसको ऐसे करके रखें और ये पूरा सॉलिड बन जाएगा, अगर हम यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी पास कराएं, क्या करें, इलेक्ट्रिसिटी पास करा दें, तो इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होगी, ठीक है, यहाँ से जाएगी लेकिन यहाँ से पास नहीं होगी, क्यों, क्योंकि ये अभी सॉलिड में है, लेकिन अगर हम इसको मोल्टन कर दें, मतलब टेम्परेचर बढ़ा के इसको पिघला दें, तो ये इलेक्ट्रिसिटी यहाँ से पास हो जाएगी। क्लियर हो गई बात? सॉलिड में नहीं होगी, लेकिन अगर इसको मोल्ट कर दोगे या फिर इसको पानी में डाल दोगे तो आयन सेपरेट आउट हो जाएंगे, तब ये इलेक्ट्रिसिटी पास कर सकते हैं। तो ये क्लियर हो गई, आयनिक सॉलिड क्या होते हैं, जिसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होती है और ये बहुत हार्ड होते हैं, इनका मेल्टिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, खूब हाई होता है, वैसे इंसुलेटर होते हैं लेकिन ये कंडक्टर हो सकते हैं मोल्टन स्टेट में या फिर वाटर में डिसॉल्व कर दिए जाए तब। चलिए थर्ड करते हैं, थर्ड है मेटालिक सॉलिड, सबसे स्ट्रॉन्ग। थर्ड लिखते हैं मेटालिक सॉलिड्स, ठीक है, तो मेटालिक सॉलिड्स में कौन से आते हैं, इसकी पहले डेफिनेशन लिख लेते हैं। इन मेटालिक सॉलिड, इन मेटालिक सॉलिड द कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स इन मेटेलिक सॉलिड द कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर पॉजिटिव आइंस। ठीक है, जिनको ग्रीक लैंग्वेज में कर्नल्स भी बोलते हैं, KERNALS, कॉल्ड कर्नल्स, इमर्ज्ड इन, इमर्ज्ड मतलब धसे होते हैं, इमर्ज्ड इन अ सी ऑफ, इमर्ज्ड इन अ सी ऑफ मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स। मोबाइल का मतलब यहाँ पर आपके फोन से मतलब नहीं है, मोबाइल का मतलब है जो मतलब घूम फिर सकता हो, ठीक है, समझ रहे हो, जिसको कोई भी रोक टोक नहीं हो वो घूम सकता है, तो मोबाइल इलेक्ट्रॉन मतलब जहाँ पर इलेक्ट्रॉन फ्लो कर सकता है। क्लियर हुई बात? तो मेटेलिक सॉलिड क्या होते हैं, जहाँ पर कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स क्या होंगे, पॉजिटिव आइंस होंगे। मॉलिक्यूलर में कौन होते हैं, मॉलिक्यूल्स होते हैं, फिर आयोनिक में क्या होते हैं, आइंस होते हैं, और मेटेलिक में क्या होते हैं, पॉजिटिव आइंस होते हैं, सिर्फ और सिर्फ क्या होंगे, पॉजिटिव आइंस होंगे। क्लियर हुई बात?
अब इसका एक देखिए, एक इसका डायग्राम है जिससे हमें समझ में आएगा। अच्छा, ऐसे बड़े बड़े पॉजिटिव बनाइए, ठीक है। ये पॉजिटिव क्या है? ये पॉजिटिव आयन्स हैं, ठीक है। मेटल आयन क्या है? ये मेटल आयन। और ये मेटल साइंस, ये छोटे छोटे नेगेटिव इलेक्ट्रॉन के सी में, मतलब समुद्र में ये हैं। समुद्र नहीं बोला जा रहा है, वर्ड यूज़ करा है। क्लियर हो गई बात? मतलब इनके चारों ओर क्या होंगे? छोटे छोटे इलेक्ट्रॉन होंगे। क्लियर हो गई बात? तो ऐसे सॉलिड को जिसमें सिर्फ पॉजिटिव पॉजिटिव वाले आयन होंगे, अगर पॉजिटिव नेगेटिव दोनों होंगे तो आयोनिक, लेकिन सिर्फ पॉजिटिव पॉजिटिव होंगे तो इसको हम बोलेंगे मेटेलिक सॉलिड। क्या बोलेंगे बच्चे इसको? मेटेलिक सॉलिड, ठीक है। ये सबसे मजबूत होते हैं। चलिए आगे पढ़िए इसमें। द फ्री इलेक्ट्रॉन्स, ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है ना, ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स, ये इलेक्ट्रॉन्स है ना, निगेटिव इलेक्ट्रॉन। द फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे इसके, द फ्री इलेक्ट्रॉन्स आर रेस्पॉन्सिबल फॉर देयर इलेक्ट्रिकल, फॉर देयर इलेक्ट्रिकल एंड थर्मल कंडक्टिविटी, देयर इलेक्ट्रिकल एंड थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ दिस सॉलिड। ये जो इलेक्ट्रॉन होते हैं ये फ्लो कर सकते हैं, इसलिए इनकी इलेक्ट्रिकल और थर्मल कंडक्टिविटी, मतलब टेम्परेचर भी बढ़ा सकते हैं, ठीक है, या फिर ये फ्लो करके करंट भी बना सकते हैं। तो ये जिम्मेदार होते हैं किसके लिए? इनकी इलेक्ट्रिकल और थर्मल कंडक्टिविटीज के लिए। कंडक्टिविटी मतलब जो फ्लो कर सकती है। क्लियर? अब इसमें ये पॉइंट लिखिए आगे छोटा सा, मेटेलिक सॉलिड आर सॉफ्ट एज वेल एज हार्ड। कुछ मेटेलिक सॉलिड क्या होते हैं? सॉफ्ट होते हैं, और कुछ क्या होते हैं? बहुत हार्ड होते हैं, ठीक है। हैव लस्ट्रस, लस्ट्रस मतलब ये चमकते हैं, एंड कलर इन सर्टेन केसेस, और बहुत सारे केसेस में ये कलर्ड पाए जाते हैं, ठीक है। क्लियर हुई इतनी बात? और ये जो हमने दिखाया है ये क्या है? इलेक्ट्रॉन मॉडल है। इसको आप ऐसा लिख सकते हो, मेटेलिक सॉलिड सॉलिड भी लिख सकते हो, या फिर इलेक्ट्रॉन मॉडल ऑफ मेटेलिक सॉलिड, मेटेलिक सॉलिड। क्लियर? एग्जाम्पल क्या है इसके? एग्जाम्पल निकल, जिसको एनआई से नोट करते हैं, या फिर कॉपर एंड एलॉयज। एलॉयज क्या होते हैं? जो दो या दो से ज़्यादा मेटल से बने होते हैं, ठीक है। जैसे पॉजिटिव से तो ही होंगे, लेकिन हो सकता है कोई निकल का और एक कॉपर का हो, तो इन दोनों को मिला के एक नया सॉलिड बनाया, उसको एलॉय बोलते हैं। दो या दो से ज़्यादा जब मेटल साथ में मिलके एक सॉलिड बनाते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? एलॉय। क्लियर हुई बात? तो हमें याद के रखना है इसमें इम्पोर्टेंट कि पॉजिटिव आयन से बनने वाला जो सॉलिड होगा उसको हम बोलते हैं मेटेलिक सॉलिड, जिसके अराउंड क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन होते हैं। क्लियर है? चलिए फोर्थ लिखते हैं। फोर्थ कौन सा है अपना? फोर्थ है कोवेलेंट और नेटवर्क सॉलिड। लिखिए कोवेलेंट और नेटवर्क सॉलिड। फोर्थ क्या है अपना? कोवेलेंट और नेटवर्क सॉलिड। इसको पढ़िएगा ध्यान से। द कोवेलेंट क्रिस्टल द कोवेलेंट क्रिस्टल द कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर नॉन मेटल्स एटम आर ऑफ नॉन मेटल्स एटम्स। इसमें क्या था? मेटल सिर्फ पॉजिटिव वाले थे। इसमें क्या होता है? नॉन मेटल एटम्स होते हैं, ठीक है। विच आर लिंक्ड टू द एडजेसेंट एटम, एडजेसेंट मतलब अपने बगल वाले एटम्स है, टू द एडजेसेंट एटम विद स्ट्रॉन्ग कोवेलेंट
बॉन्ड, स्ट्रॉन्ग कोवेलेंट बॉन्ड थ्रो आउट द क्रिस्टल. पूरे क्रिस्टल में अगर सिर्फ कोवेलेंट बॉन्ड प्रेजेंट हो, किन किन के बीच में, नॉन मेटल्स के बीच में, तो उस सॉलिड को हम बोलते हैं कोवेलेंट और नेटवर्क सॉलिड. क्लियर हुई इतनी बात? दीज आर आल्सो कॉल्ड, ये पॉइंट लिखिएगा, दीज आर आल्सो कॉल्ड जाइंट, जाइंट मतलब बड़े, दीज आर आल्सो कॉल्ड जाइंट मॉलिक्यूल्स. ये क्या होते हैं? जाइंट मॉलिक्यूल्स माने जाते हैं. क्लियर है? एग्जाम्पल, डायमंड, ठीक है, या फिर क्वार्ट्स. क्वार्ट्स क्या होता है? SiO2. क्वार्ट्स क्या होता है? SiO2, ठीक है. और एक और लिख सकते हो इसमें एग्जाम्पल, बोरोन, नाइट्राइड, ठीक है, BN एटसेट्रा, या फिर कैल्शियम सल्फ, कैल्शियम सिलिकाइड, देखिए सिलिक कैल्शियम, कार्बन, सॉरी कैल्शियम नहीं, कार्बन सिलिकेट. कार्बन सिलिकेट क्या होता है? CSI, कार्बन और सिलिकॉन से मिलके, ठीक है. तो कोवेलेंट और नेटवर्क सॉलिड क्या होता है? कोवेलेंट और कोवेलेंट क्रिस्टल, जिसमें जो पार्टिकल्स होंगे वो कैसे होंगे? सिर्फ नॉन मेटल्स होंगे. क्लियर है? अब इसका यहाँ पर एक एग्जांपल देख सकते हैं, एक फिगर है जो ज़रूरी है. देखिए यहाँ देखिए, ये ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर है और ये डायमंड का स्ट्रक्चर है, दोनों ही हार्ड होते हैं. तो ग्रेफाइट के स्ट्रक्चर में क्या है? ये ग्रेफाइट का मॉलिक्यूल दूसरे ग्रेफाइट के मॉलिक्यूल किससे, किस बॉन्ड से जुड़ा हुआ है? कोवेलेंट बॉन्ड से. क्लियर हो गई बात? इसी नेटवर्क को हम बोलते हैं नेटवर्क बॉन्ड या कोवेलेंट बॉन्ड. सिमिलर यहाँ पर जो डायमंड का स्ट्रक्चर है, इसमें भी क्या है कि एक डायमंड का मॉलिक्यूल, एक कार्बन का मॉलिक्यूल चार मॉलिक्यूल से किससे जुड़ा हुआ होता है? ये कोवेलेंट बॉन्ड से जुड़ा हुआ होता है. क्लियर हो गई बात? चलिए अब ये अपना टॉपिक ख़त्म है यहाँ पर. अब हम करते हैं इसके NCERT के क्वेश्चन, इंटेक्स वाले. देखिए अब हमें समझ में आएगा कि हमने जितना पढ़ा है उसमें हमें कितना अच्छे से समझ में आया. तो क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं NCERT का, क्या है कि why are solids rigid. तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? why are solids rigid का देखिए आंसर 1.1 का लिखते हैं, why are solids rigid. तो इसका आंसर क्या होगा? Because, या फिर ऐसे लिख सकते हो आप, solids are rigid. solids rigid क्या होते, rigid क्यों होते हैं? solids are rigid because they have very strong, इनके बीच में क्या होती है? very strong intermolecular force. इनके molecular force क्या होती है? इन वो molecule की जो force होती है वो क्या होती है? बहुत strong होती है, इसलिए ये क्या होते हैं? rigid होते हैं. क्लियर है? अगर फोर्स स्ट्रांग होगी तो रिजिड होंगे, कठोर होंगे ना, एक दूसरे से जुड़े रहेंगे. सेकंड क्वेश्चन क्या है? व्हाई डू सॉलिड्स हैव अ डेफिनेट वॉल्यूम. दे हैव डेफिनेट, दे हैव डेफिनेट अरेंजमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स. सो दे हैव डेफिनेट वॉल्यूम. बहुत आसान क्वेश्चन है. देखिए, दे हैव डेफिनेट अरेंजमेंट ऑफ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स. कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल जिनसे ये मिलके बिना होता है, स्टार्टिंग में जो बताए थे, ये क्या होते हैं? डेफिनेट होते हैं, ठीक है. इनका अरेंजमेंट डेफिनेट होता है तो ये इधर उधर तो जा नहीं सकते, इसलिए इनका वॉल्यूम भी कैसा होगा? फिक्स होगा. क्लियर है? या फिर डेफिनेट होगा. क्लियर हो गई बात? चलिए क्वेश्चन नंबर 1.3 आता है, क्लासीफाई द फॉलोइंग एज एमर्फस और क्रिस्टलाइन. तो इसमें हमें एग्जांपल दे रखे हैं यहाँ पर कि कौन सा एमर्फस है और कौन सा क्रिस्टलाइन है. एमर्फस कौन से होते हैं? जिसका अरेंजमेंट क्लियर नहीं होता, समझ गए, ऑर्डर नहीं होता. और क्रिस्टलाइन जिसका ऑर्डर क्या होता, अरेंजमेंट ऑर्डर्ड में होता है. तो हम यहीं पर देखते हैं. देखिए पहला क्या है? पॉलीयूरेथीन. तो पॉलीयूरेथीन क्या होता है? एमर्फस होता है. फिर क्या आता है? नेप्थलीन. नेप्थलीन भी क्या होता है? एमर्फस होता है, ठीक है. अब फिर आता है बेंजोइक एसिड. बेंजोइक एसिड क्या होता है? बेंजोइक एसिड का फॉर्मूला हमें पता होना चाहिए. देखिए ये होता है,
ये हो गया बेंजीन, और इसके ऊपर क्या हो जाएगा COOH, इसे हम बोलते हैं बेंजोइक एसिड। ये कैसा हो जाएगा, ये हो जाएगा अपना क्रिस्टलाइन। फिर क्या आता है टेफलॉन, क्या हो जाएगा अपना एमरफस। पोटेशियम नाइट्रेट कैसा हो जाएगा, पोटेशियम नाइट्रेट मतलब KNO3, ये होता है आयोनिक सॉलिड, तो ये होता है क्रिस्टलाइन। आयोनिक किस में आता है, क्रिस्टलाइन में। फिर सेलोफोन अपना किस में आ जाएगा, एमरफस, ये भी एमरफस। फिर सोडियम क्लोराइड, ठीक है, पॉलीविनाइल क्लोराइड, सॉरी सोडियम क्लोराइड नहीं, पॉलीविनाइल क्लोराइड कैसा हो जाएगा, ये भी एमरफस। फाइबर ग्लास, ये भी क्या है एमरफस। और कॉपर क्या हो जाएगा, हमने पढ़ा था, ये क्या होगा क्रिस्टलाइन सॉलिड। क्लियर है, चलिए फोर्थ है, ये देखिए ये क्वेश्चन आया इंपॉर्टेंट। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सॉलिड इज ऑब्जर्व टू हैव द सेम वैल्यू अलॉन्ग ऑल डायरेक्शन। क्वेश्चन नंबर 1.4 में कह रहा है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जिसको हम म्यू बोलते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ सॉलिड इज हैज सेम डायरेक्शन, हैज सेम वैल्यू इन ऑल डायरेक्शन, हर डायरेक्शन में बच्चे इसकी वैल्यू सेम है। तो हमने पढ़ाया था ना कि अगर हर डायरेक्शन में वैल्यू सेम है तो उसको हम बोलते हैं एमरफस सॉलिड। तो ये किस में आ जाएगा अपने एमरफस सॉलिड में। क्लियर हुई इतनी बात, ठीक है। तो ये कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा कमेंट ऑन द नेचर ऑफ द सॉलिड, क्या होगा जी, ये हो जाएगा एमरफस। वुड इट शो क्लीवेज प्रॉपर्टी, तो आंसर होगा यस, क्योंकि ये क्लीवेज प्रॉपर्टी शो करते हैं। क्लीवेज मतलब टूटना, कि ये सॉलिड टूट सकते हैं, बिल्कुल टूट सकते हैं, ठीक है। क्या क्रिस्टलाइन टूट सकते हैं, क्रिस्टलाइन नहीं टूट सकते हैं, लेकिन एमरफस टूट सकते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1.1 से 1.4 खत्म, चलिए नेक्स्ट करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 1.6 वाला है, 1.6 वाला क्वेश्चन अच्छा है, हो सकता है ये एग्जाम में आ सकते हैं, मतलब क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। देखिए इसमें हमें करना है क्लासीफाई द फॉलोइंग सॉलिड्स इन द डिफरेंट कैटेगरीज बेस्ड ऑन द नेचर ऑफ इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ऑपरेटिंग इन देम। ये हमें दे रखा है पोटेशियम सल्फेट, टिन, बेंजीन, यूरिया, अमोनिया, ठीक है, और वाटर, जिंक सल्फाइड, ग्रेफाइड। तो ये सब अलग अलग प्रकार के सॉलिड हैं, हमें ये बताना है कि ये कौन कौन से होते हैं। ये मतलब क्रिस्टलाइन तो होंगे, लेकिन क्रिस्टलाइन में भी कौन से होंगे, पोलर वाले, नॉन पोलर वाले, समझ गए, या मेटेलिक सॉलिड। तो एक एक करके समझते हैं। पहला क्या है, पोटेशियम सल्फेट। तो 1.6 का सबसे पहला है पोटेशियम सल्फेट। तो पोटेशियम सल्फेट क्या होता है, देखो पोटेशियम सल्फेट होता है, पोटेशियम मतलब के और सल्फेट मतलब SO4, तो K2SO4। अब ये हो गया पॉजिटिव, ये हो गया नेगेटिव, तो इसको हम बोलेंगे आयोनिक सॉलिड। ये कैसा हो जाएगा, आयोनिक सॉलिड। क्लियर हुई। सेकंड आता है टिन, टिन मतलब SN। सेकंड क्या है अपना टिन, टिन हो जाएगा SN। SN क्या होता है बच्चे, SN में जो हम मेटेलिक सॉलिड पढ़े थे ना, ये इसका स्ट्रक्चर ऐसा होता है, SN पॉजिटिव, SN पॉजिटिव, SN पॉजिटिव। तो ये क्या माना जाएगा, मेटेलिक सॉलिड। क्लियर हो गया। थर्ड क्या है, बेंजीन। बेंजीन कैसा होता है, देखिए धीरे धीरे स्टार्ट करेंगे ना, तो मतलब जैसे भी क्लास 12th का ये फर्स्ट लेक्चर है, तो धीरे धीरे हम सब सीख जाएंगे, टिन का ये सब हमें बिल्कुल अच्छे से याद हो जाएंगे। बेंजीन होता है अपना C6H6, ठीक है, और C6H6 अपना इस तरीके से बनाया जाता है, ये होता है C C C C C, और यहाँ पर होते हैं H H H, ठीक है। तो इसमें कोई भी पॉजिटिव नेगेटिव नहीं होता, अगर पॉजिटिव नेगेटिव नहीं होता तो इन्हें क्या मानेंगे, नॉन पोलर सॉलिड। क्या हो जाएंगे ये, नॉन पोलर क्रिस्टलाइन सॉलिड, या नॉन पोलर सॉलिड भी बोल सकते हैं। फिर आता है यूरिया। यूरिया क्या होता है, CONH2 का होल ट्वाइस, CONH2 का होल ट्वाइस। यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये CO पॉजिटिव और ये नेगेटिव, ठीक है। तो ये पॉजिटिव नेगेटिव वाला क्या हो जाएगा, अपना पोलर सॉलिड। क्लियर हो गई बात। फिर आता है अमोनिया। अमोनिया कैसा होता है, अमोनिया तो हमने एग्जाम्पल में भी लिखाया था ना, अमोनिया कैसा होता है, ये होता है, देखिए अमोनिया एग्जाम्पल में लिखाया था ना, किस एग्जाम्पल में लिखाया था, अगर आपने नोट्स बनाए हैं तो ढूंढिए, ये रहा अमोनिया क्या होता है, पोलर मॉलिक्यूल, ठीक है, ये हो जाएगा पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड।
फिर सिक्स आता है, सिक्स क्या है अपना वाटर, वाटर कैसा होता है हाइड्रोजन बॉन्डेड, वाटर में क्या लिखेंगे आप हाइड्रोजन बॉन्डेड सॉलिड, ठीक है। फिर आता है जिंक सल्फाइड जेड एन एस, जेड एन एस क्या हो जाएगा पॉजिटिव नेगेटिव, तो ये हो जाएगा अपना आयोनिक सॉलिड। फिर आता है सेवन्थ कौन सा है ये ग्रेफाइट, ग्रेफाइट क्या हो जाएगा कोवेलेंट और नेटवर्क, रुबेडियम क्या हो जाएगा रुबेडियम हो जाएगा अपना मेटेलिक सॉलिड, आर्गन क्या हो जाएगा नॉन पोलर सॉलिड, और सिलिकॉन कार्बाइड मतलब एस आई सी, ठीक है, जिसको हमने कार्बन सिलिकेट बोला था उसको हम सिलिकॉन कार्बाइड बोलते हैं, क्या हो जाएगा ये कोवेलेंट और नेटवर्क सॉलिड। क्लियर हो गई बात। अब आता है क्वेश्चन नंबर 1.7, 1.7 क्या है, अ सॉलिड ए इज अ वेरी हाई इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर इन सॉलिड एज वेल एज इन मोल्टन स्टेट एंड मेल्ट इट एक्सट्रीमली हाई टेम्परेचर, वॉट टाइप ऑफ सॉलिड इज इट। जो ए है वो क्या है हाई इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर है सॉलिड में, लेकिन मोल्टन स्टेट में वो क्या है मोल्टन स्टेट में वो एज वेल एज इन मोल्टन स्टेट में भी क्या हो जाएगा वो मतलब इंसुलेटर है, ठीक है, मेल्ट एट वेरी एक्सट्रीमली हाई टेम्परेचर, तो कौन सा होगा ये हो जाएगा कोवेलेंट। ये किसकी बात कर रहे हैं, ये बात कर रहे हैं डायमंड वाले की, ठीक है, कि ना तो वो सॉलिड में और ना ही मोल्टन स्टेट, दोनों ही स्टेट में वो कैसा होता है वो इंसुलेटर होता है, क्लियर है, उसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास कर ही नहीं सकते। फिर है क्वेश्चन नंबर 1.8, आयोनिक सॉलिड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन मोल्टन स्टेट बट नॉट इन सॉलिड स्टेट। आयोनिक सॉलिड जो होते हैं वो इलेक्ट्रिसिटी मोल्टन स्टेट में तो कंडक्ट कर सकते हैं लेकिन उसमें नहीं कर सकते हैं, क्यों ऐसा, बिकॉज इन सॉलिड स्टेट द आयंस और इलेक्ट्रॉन्स आर नॉट फ्री टू मूव बट इन मोल्टन स्टेट इलेक्ट्रॉन्स आर फ्री टू मूव सो दे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन मोल्टन स्टेट क्लियर हो गई बात। फोर्थ क्या है, व्हाट टाइप ऑफ सॉलिड्स आर इलेक्ट्रिकल कंडक्टर्स मैलिएबल एंड डक्टाइल, कौन से होते हैं जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टर्स होते हैं मैलिएबल्स होते हैं और डक्टाइल्स होते हैं, कौन से होते हैं मेटालिक सॉलिड। मेटालिक सॉलिड क्या होते हैं कंडक्टर भी होते हैं मैलिएबल भी होते हैं और डक्टाइल भी होते हैं, क्लियर हुई बात, तो इसका आंसर हो जाएगा मेटालिक सॉलिड। तो आज के इस लेक्चर में हमने क्या पढ़ा, इस लेक्चर में हमने पढ़ा सॉलिड्स क्या होते हैं, फिर सॉलिड्स को क्रिस्टलाइन और एमोरफस में क्यों तोड़ा गया है क्योंकि उनके ऑर्डर ऑफ अरेंजमेंट पर, फिर क्रिस्टलाइन सॉलिड कितने प्रकार के होते हैं चार प्रकार के मॉलिक्यूलर आयोनिक मेटालिक और कोवेलेंट, ठीक है। उसके बाद ये क्वेश्चन समझ में आया, आज का लेक्चर मज़ा आया होगा, ठीक है बच्चे, अगर सब कुछ अच्छा लगा होगा मज़ा आया होगा तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक करना शेयर करना अपने दोस्तों के साथ, जो भी अपने दोस्त होंगे क्लास ट्वेल्थ में और केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं और जिनको नहीं समझ में आता हो उनको प्लीज़ बोलना कि चैनल को आके सब्सक्राइब करें, ठीक है, आप भी वीडियो को ज़रूर देखिएगा और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा और रेड वाला बटन और उस बेल आइकन को जरूर दबाइएगा और जितना हो सकता है इस वीडियो को प्लीज़ शेयर कीजिएगा। अराउंड वन ईयर बाद आज ये वीडियो बना रिकॉर्ड किया है तो थोड़ा हिचकिचाहट हो गई है, उसके लिए यार माफ़ करना प्लीज़, लेकिन जितना हो सकता है प्यार दिखाना, ठीक है। चलो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक मस्त रहना खुश रहना, और अगर आपको ये सारे वीडियोस मतलब और ज़्यादा वीडियोस चाहिए तो आप हमारा एप्लीकेशन डाउनलोड करना प्ले स्टोर पर जीनियस रनिंग क्लासेस, ठीक है, वहाँ पर आपको इसका पूरा कंप्लीट कोर्स मिलेगा, वहाँ से आप पूरा कोर्स पढ़ सकते हैं, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद बच्चों।